हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट आईपीएल मैच की, जो कि खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स ही रहेगी। मैं आपको बता देता हूं मैच कहां पे होगा और क्या एक्सपेक्टेशन होगी। तो वेन्यू की बात करें तो बर्बन स्टेडियम मुंबई में ये मुकाबला खेला जाएगा। डेट और टाइम 31 मार्च 7:30 PM नॉर्मल टाइमिंग जिस पर मैच हो रहा है। अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखता हूं, क्योंकि मैं इसको अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूं। पिछले मैचेस में क्या हुआ और पास्ट में क्या होता था वो सब आपसे डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो पे आप पेशेंस के साथ देखिएगा, 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगा। बट अगर पूरा देखेंगे तो आपको विनर भी पता चलेगा कौन सी टीम इस मैच को विन कर सकती है, कौन सी टीम मजबूत है और किन प्लेयर्स को अपनी फैंटेसी टीम में आपको लेना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले प्लेयर बैटल की। तो प्लेयर बैटल अगर हम देखें तो देखिए कुछ प्लेयर्स हैं जो कुछ प्लेयर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि मनीष पांडे, रविंद्र जडेजा को उतना अच्छा नहीं खेल पाते। 46 बॉल्स पे दो बार विकेट दी है। डीजे ब्रावो लेविस की कई बार विकेट ले चुके हैं, देख सकते हैं। डीजे ब्रावो ने 35 बॉल्स में 44 रन दिए बट 3 बार विकेट लेविस की निकाली है। यहां पे ब्रावो ने हुडा की 2 बार विकेट निकाली है और डिकॉक की भी 2 बार विकेट निकाली है। तो यहां पे डीजे ब्रावो, रविंद्र जडेजा के स्टैट्स सामने वाली टीम के कुछ प्लेयर्स के सामने बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसके बाद हम आगे चलें तो बात करते हैं सीएसके के बैट्समैन और लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर्स की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि शहनवाज नदीम ने अंबती रायडू का 3 बार विकेट निकाला है बट रन भी काफी ज्यादा खाए हैं, और नदीम ने उथप्पा का भी 2 बार विकेट निकाला है बट रन फिर भी खाए हैं। यहां पर अगर हम बात करें कुणाल पंड्या की, तो रायडू का इन्होंने 2 बार विकेट लिया, ठीक ठाक बॉलिंग करी है, और इसके अलावा कुणाल पंड्या उथप्पा का भी 1 बार विकेट ले चुके हैं। यहां पर आपको आवेश खान और कुणाल पंड्या का भी स्टैट दिखेगा, जिसमें कुणाल पंड्या ने जडेजा का 2 बार विकेट निकाला है बहुत कम रन देकर, 15 बॉलों में 2 बार विकेट, और वहीं आवेश खान ने एमएस धोनी का 2 बार विकेट निकाला है बट थोड़े से रन दिए हैं। यहां पे कृष्णप्पा गौतम ने भी रॉबिन उथप्पा का 2 बार विकेट निकाला है, ना के बराबर रन दिए, लगभग देख सकते हैं 50 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है कृष्णप्पा गौतम को, 2 बार गौतम ने उथप्पा का विकेट निकाला है। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। फैंटेसी टिप्स की बात करें तो अभी दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला खेला है, कुछ कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ गया, जैसे कि हुडा हो गए जो 3 ओवर बॉलिंग कर गए थे और बैटिंग में उन्होंने अच्छा करा। इसके बाद कुणाल पंड्या का 63 पॉइंट, ए बडोनी का 78 पॉइंट, डी ब्रावो का 87, चमीरा का 63 और एमएस धोनी का 81 पॉइंट, ये पिछले कुछ मैचेस के इनके फैंटेसी पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेन्यू स्टैट की। इस वेन्यू पे मैं आपको बोल रहा था कि थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, तो देखिए यहां पे इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ एक मैच खेला गया है जो 166 जिसका एवरेज स्कोर बना था, तो वो ज्यादा मायने रखेगा नहीं। डोमेस्टिक लेवल पे भी ज्यादा मैचेस नहीं हुए, सिर्फ 5 मैचेस हुए, 3 बैटिंग फर्स्ट ने जीते और 2 बैटिंग सेकंड ने जीते। एवरेज स्कोरिंग यहां पे थोड़ी सी हाई होती है, 190 का एवरेज स्कोर है और हाईएस्ट स्कोर यहां पे सनराइज हैदराबाद ने बनाया था और लोएस्ट स्कोर यहां पे मुंबई इंडियंस ने बनाया था। देख सकते हैं लोएस्ट भी 173 है और हाईएस्ट 201 है, यानी कि 170 से 200 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पे 5 जो मैचेस हुए, 5ों मैच 170 से ऊपर ही हुए हैं, ये चीज आपको थोड़ी सी नोटिस करनी चाहिए कि 190 के ऊपर 2 बार गया है और 170 से 189 की रेंज में 3 बार स्कोरिंग हुई है, 169 के नीचे स्कोरिंग हुई ही नहीं है। तो इस वेन्यू पे अच्छा खासा आपको बैटिंग देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आखिरी कुछ मैचेस की, तो अभी रिसेंट टाइम में आपने मैच देखा था मुंबई और दिल्ली का जो इस वेन्यू पे खेला गया था, उस मैच में मुंबई ने 177 बनाया था और दिल्ली कैपिटल्स ने 179 बना के उस मैच को चेस कर लिया था, मुंबई इंडियंस को हरा दिया था इस वेन्यू पे। यहां पे आप देख सकते हैं स्कोरिंग उस मैच में भी अच्छी हुई थी, उसके पास्ट में आप देख सकते हैं बट वो बहुत पुराने मैचेस है तो वो ज्यादा मैटर करेंगे नहीं। आगे हम चलते बात करते हैं रिसेंट टीम फॉर्म की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा दोनों टीमों ने अपने एक एक मुकाबले खेले और दोनों ही टीमें अपने वो मैचेस को हारी हैं। रिसेंट फॉर्म देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स के आखिरी 5 मुकाबलों में 2 जीते इन्होंने और एलएसजी तो अभी फॉर्म हुई है और पहले ही मुकाबला अपना हार गई। रिसेंट फॉर्म यहां पे टीमों का आप देख सकते हैं, किन टीमों के खिलाफ इनके आखिरी कुछ मैचेस रहे वो आपके सामने हैं। आगे हम बात कर लेते हैं टीम हिस्ट्री की, तो देखिए चेन्नई सुपर किंग्स 186 मैचेस खेल चुकी है आईपीएल में अभी तक, 112 मैचेस जीते और 73 लूज करे, यहां पे 60% इनका विनिंग चांस होता है। और वहीं अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो अभी टीम बनी है, एक ही मैच खेला वो भी हार गए, तो विनिंग परसेंटेज कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सीएसके की प्लेइंग 11 की, तो मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं करेगी सीएसके की टीम। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे, कॉनवे 3 पे आउट हो गए थे, इन दोनों से अच्छा एक्सपेक्टेशन इस वेन्यू पे मैं करूंगा। बैटिंग वेन्यू है तो दोनों ही बहुत जबरदस्त बैटर है और दोनों को ही आपको मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए, दोनों के दोनों अच्छी बैटिंग कर सकते हैं इस मैच में। पिछले मैच में जो हो गया हो गया बट ये लोग बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, 43 के एवरेज से कॉनवे खेलते हैं और 37 के एवरेज से ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं, T20 के सबसे बढ़िया प्लेयर्स में से एक हैं। फिर आते हैं रॉबिन उथप्पा, अंबती रायडू, इनके एवरेजेस थोड़े से कम हो जाते हैं तो इनको मैं उतना सजेस्ट नहीं करता टीम्स में, हालांकि अंबती
अंबती रॉबिन उथप्पा ने पिछले साल और अभी इस साल भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बाकी अंबती रायडू पे उतना मैं ट्रस्ट नहीं करता, अगर लेना भी है तो रॉबिन उथप्पा को ट्राई कर सकते हैं, बट पहले इन दोनों को लीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 के बैटर की, जिसमें आते हैं रविंदर जडेजा, जो कि 4 ओवर अपनी स्पिन बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग तो बहुत शानदार करते हैं, ये चीज तो आप भी नोटिस कर रहे हैं। कोई भी फॉर्मेट हो, कैसा भी फॉर्मेट हो, बैटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। पिछले बार इन्होंने एमएस धोनी को मौका दिया बैटिंग करने का और ये बस स्ट्राइक चेंज करते रहे, बट आई थिंक ये इस बार शायद और भी अच्छा परफॉर्मेंस दें, ये आपके लिए कप्तानी वाइस कप्तानी के एक सेफर पिक होंगे। इसके बाद शिवम दुबे हैं, एमएस धोनी है, जिसमें एमएस धोनी कभी भी प्रमोट हो सकते हैं। एमएस धोनी पिछले मैच में 50 रन का एक काफी जबरदस्त नॉक खेले और शिवम दुबे अनफॉर्चुनेटली 3 रन पे ही आउट हो गए। इन्होंने पिछले मैच में कुछ ओवर बॉलिंग भी कराई थी पर इनको विकेट नहीं मिला। एमएस धोनी विकेट कीपर बैट्समैन है, ग्रैंड लीग्स में अच्छे होते बट स्मॉल लीग में उतना मैं इन पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा डाउन है। अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा तभी इनके चलने का चांस है, टॉप ऑर्डर फ्लॉप नहीं हुआ तो एमएस धोनी को कम बैटिंग मिल सकती है, बस यही थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ आपको मिलेंगे ड्वेन ब्रावो, ये भी देखिए बैटिंग बैकअप दे देते हैं और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है और 4 ओवर कंफर्म करने इनके तय हैं और ये विकेट टेकर भी हैं। ये देखिए इनके स्टैट, आखिरी 6 मैचेस में ऐसा कोई मैच नहीं गया जिसमें ये विकेटलेस गए हों और मैक्सिमम आप देखिए एक से ज्यादा ही विकेटें निकालते हैं, तो ब्रावो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मिस सेंटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, ये भी 1 से 2 विकेट लेके चले जाते हैं। रिसेंट फॉर्म देखें तो लगभग हर मैच में 1 विकेट तो लेके जाते हैं। एडम मिलने इस टीम के ब्रावो के बाद आई थिंक सबसे बढ़िया बॉलर है, तो इनको भी आप अपनी टीम में ले सकते हैं, डेथ ओवर में ब्रावो के साथ बॉलिंग कर सकते हैं, हालांकि रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा। फिर आते हैं तुषार देशपांडे, डोमेस्टिक ज्यादा खेली हुई है, 32 मैच में टोटल 44 विकेट हैं, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। तो इस टीम में अगर आप देखें तो बॉलिंग से मुझे ब्रावो इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं और मिलने थोड़े से ठीक ठाक बॉलर समझ में आ रहे हैं। और यहां से फिर अगर हम बात करें तो फिर रविंद्र जडेजा, जो कि अपने कंप्लीट 4 ओवर का स्पेल करेंगे और बैटिंग बैकअप देंगे। बेंच में इनके पास देखिए क्रिस जॉर्डन है, राजवर्धन है और इसके अलावा महेश तीक्षाना है, जिसमें तीक्षाना काफी बड़े स्पिनर माने जाते हैं श्रीलंका के। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको और दिखा देते हैं, और भी जो बेंच में अवेलेबल प्लेयर्स हैं इनके स्टैट आप देख लीजिए, जो भी प्लेयर खेल जाता है कभी कभी लाइनअप में होता है, कोई नए प्लेयर आ जाते हैं तो आपके पास एटलीस्ट स्टैट तो होना चाहिए, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, पता नहीं कौन सा स्टैट कब आपके काम आ जाए। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं LSG की प्लेइंग 11 की, ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसमें आपको ओपनिंग प्लेयर दिखेगा KL राहुल और डिकॉक का, जिसमें डिकॉक ने पिछले मैच में विकेट कीपिंग भी करी थी। अच्छा, पिछले मैच में ये लोग जरूर जल्दी आउट हो गए थे बट ये लोग भी बहुत बढ़िया प्लेयर माने जाते हैं T20 की, जैसे कि मैंने आपको बोला गायकवाड कॉन्वे को लेने का, वैसे मैं आपको बोलूंगा डिकॉक और KL राहुल दोनों को टीम में लीजिए, जिसमें डिकॉक आपको विकेट कीपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट देंगे। साथ ही साथ लेविस अगर 3 पे खेलते तो ये भी काफी अच्छे प्लेयर है, इनको भी आपको टीम में लेना चाहिए। इनके आप स्टैट भी देखिए अपोजिशन टीम के खिलाफ कैसे परफॉर्मेंसेज रहे, तो ये आप इससे भी अंदाजा लगा लेंगे कि ये लोग कितना बढ़िया खेलते हैं अपोजिशन टीम को, ठीक है, तीनों के स्टैट बहुत अच्छे हैं। मनीष पांडे की बात करें तो ये भी काफी बढ़िया खेलते हैं बट थोड़ा सा कभी कभी बैटिंग नीचे आता, कभी 4 कभी 5 पे इनको भेज देती है टीम। इसके बाद हम बात करते हैं दीपक हुडा की, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक होंगे क्योंकि पिछले मैच में 3 ओवर बॉलिंग भी इन्होंने कराई और ज्यादातर इनके ओवर 10 ओवर के बाद थे और इसके अलावा बैटिंग भी काफी अच्छी करी थी। हुडा का फॉर्म भी काफी सुधरा है डोमेस्टिक्स में भी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो होंगे। इसके बाद आते हैं आयुष बडोनी, काफी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं बट वही है कि बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा डाउन है, तो इनको मैं प्रेफर नहीं करूंगा। कुणाल पंड्या को ट्राई करना है तो करिए, उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन ये नहीं होते, 4 ओवर पूरे जरूर करेंगे बट आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम विकेटलेस भी जाते हैं, तो इनके साथ ये रिस्क बना होता है, कभी कभी बैटिंग बैकअप टीम को दे देते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं और बात करते हैं दुश्मंता चमेरा, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, आवेश खान, जिसमें प्रॉपर डेथ बोलर्स की बात करें तो आवेश खान चमेरा इस टीम के डेथ बोलर्स हैं और रवि बिश्नोई सबसे क्वालिटी स्पिनर हैं। बाकी मैं मोहसिन खान पर उतना भरोसा नहीं करता, आपके लिए रवि बिश्नोई एक ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं। आवेश खान का भी रिकॉर्ड अच्छा है और दुश्मंता चमेरा भी अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए बेंचमैन के पास जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, मैंने आपको कृष्णप्पा गौतम का भी एक स्टैट बताया था तो इसको भी मत भूलिएगा, पनन वोरा है, अंकित राजपूत और शाहबाज नदीम, इनके भी मैंने आपको प्लेयर बैटल दिखाए थे। इसके बाद हम बात करते हैं करण शर्मा, मयंक यादव, डेथ बॉलर की बात करते हैं डायरेक्टली, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। डेथ बॉलिंग में देखिए एलएसजी की तरफ से आवेश खान और दुश्मंता चमेरा, यही प्रॉपर डेथ बॉलर्स हैं, इन्हीं को डेथ में गेंदबाजी करनी चाहिए। सीएसए की तरफ से डीजे ब्रावो, एडम मिलने और टी पांडे, इनको मेरे हिसाब से एक एक ओवर मिलेगा, मिलने को 2 भी मिल सकते हैं। ब्रावो के लगभग 2 कंफर्म है, यानी कि 18वां और 20वां ओवर लगभग ब्रावो कंफर्म करेंगे, हो सकता है 17वां और 19वां मिलने कर जाएं, या फिर हो सकता है 17वां देशपांडे को भी एक आध मिल जाए। तो मेन डेथ बॉलर ब्रावो हो गए, उनके सपोर्टिंग डेथ गेंदबाज एडम मिलने, देशपांडे, ज्यादा चांस एडम मिलने के होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टीम की, तो देखिए फैंटू प्ले ने अभी एक अपडेट ला दिया है कि अब आपको 25 पॉइंट मिलेंगे 1 विकेट के और 8 पॉइंट मिलेंगे LBW या बोल्ट के IPL में, ठीक है, तो इनका थोड़ा सा पॉइंट सिस्टम अपडेट
अपडेट हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा फैन टू प्ले को। और इसके अलावा मैं आपको फैन टू प्ले की टीम तो बता ही दे रहा हूं, मैंने अपनी फैन टू प्ले की टीम में क्विंटन डेकॉक को लिया है, लोकेश राहुल को लिया है, ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, एविन लेविस, क्वालिटी बैटर्स को नहीं छोड़ना है, बस इतना आपको सोच के टीम बनानी है। रविंद्र जडेजा, दीपक हुडा, इसके बाद रवि बिश्नोई, एडम मिलने, ड्वेन ब्रावो और आवेश खान, ये मेरी टीम रहने वाली है क्वालिटी बोलर्स, क्वालिटी ऑलराउंडर्स और क्वालिटी बैट्समैन के साथ गया हूं, जिसमें बैट्समैन को आई थिंक आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 मैचेस में हमने यहां पे देखा है कि 170 से कम स्कोर बना ही नहीं है, यानी बैटिंग के लिए बहुत अच्छा वेन्यू है, और जो बैटिंग ऑलराउंडर्स है वो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो कैप्टनसी मैंने दी है रविंद्र जडेजा को, और वाइस कैप्टनसी दी है क्विंटन डेकॉक को। एक और अच्छे वाइस कैप्टन है यहां पे लोकेश राहुल, जिनको आप अपनी टीम में ट्राई एज अ वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बॉलिंग से किसी को देख रहे हैं डेथ बॉलिंग की वजह से, तो डीजे ब्रावो आपके लिए ग्रैंड लीग में अच्छा कर सकते हैं, और आवेश खान भी, आवेश खान ने पिछले मैच में जरूर अच्छी बॉलिंग नहीं करी, बट ये विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर है और डेथ ओवर्स में इनसे टीम गेंदबाजी करवाती है, तो ये दो डेथ बॉलर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से। सो ये मेरी टीम रहने वाली है, इसमें कोई अपडेट हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कोई होगा अपडेट तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर हालांकि दे दूंगा। जिन लोगों ने फैन टू प्ले एप्लीकेशन पर अभी तक रजिस्टर नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और रेफर कोड एफएक्स लगा के साइन अप करेंगे तो आपको 200% का बोनस फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा, 2 से 4 फ्री एंट्रीज मिलेंगी, और भी ढेर सारे आपको गिव अवेज वगैरह एफएक्स की तरफ से मिलते रहते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए, सबसे ऊपर कमेंट सेक्शन में पिंड भी है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे आपको आईपीएल की सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहेंगी और मैच के प्रेडिक्शंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।